हेलो माय डियर फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप मेरे चैनल पे अब तक देखिए गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ वीडियो थे। लेकिन फ्रेंड्स आई एम अ टेक्निकल पर्सन, क्योंकि वो गवर्नमेंट एग्जाम प्लस लैब है, तो लैब में हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मॉडल वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं ये टीवी है और ये टीवी का एक सर्किट है, क्योंकि हम सब टीवी देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता उसके सर्किट्स के अंदर क्या होता है, किस तरह प्रोसेस, किस तरह वीडियो हमें शो करती है। क्योंकि देखते हैं बिजली के थ्रू वो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और पिक्चर पे हमें शो करता है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये जो इतना पेचीदा सा एक सर्किट है और इसी में कहीं एक छोटा सा फॉल्ट आता है और जिसे हम रिपेयरिंग के लिए अक्सर दुकानों पर जाते हैं। लेकिन ये सर्किट सिर्फ एक सर्किट नहीं है, इसके अंदर कई सारे सर्किट्स हैं जो कि इस जिनकी अलग अलग अपनी अपनी वर्किंग है। तो चलिए आइए देखते हैं, तो चलिए आइए अब हम इनके सर्किट के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे सर्किट हैं। तो जो सबसे पहला सर्किट इसमें आता है हमारा फ्रेंड्स, वो आता है हमारा इसमें पावर सप्लाई, जहाँ से कि हमारा सप्लाई जो 230 वोल्ट है वो कन्वर्ट होता है हमारे टीवी के लिए 12 वोल्ट में। उसके बाद आगे सप्लाई रेक्टिफायर होकर के आगे जाता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं उसके बाद आता है हमारा हॉर ऑक्सीडेटर, देन आता हमारा वेरी आउटपुट का सर्किट है। उसके बाद हमारा आता है साउंड आउटपुट, जो साउंड का जो हमें आउटपुट मिलता है उसके बारे में। देन नेक्स्ट हमारा साउंड आईएफ रेक्टिफायर, उसके बाद हमारा है वीडियो आउटपुट, देन पिक्चर ट्यूब, जिससे कि हमारे जो पिक्चर की जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करता है हमारे ट्यूब के थ्रू और हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं। लेकिन डिस्प्ले होने से पहले आरएफ ट्यूनल, जहां आरएफ ट्यूनल है, उसके बाद हमारा आईएफ एम्पलीफायर। तो ये कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जो कि हमारे टीवी के सर्किट बोर्ड में हमें हरदम मिलता है और इसी समय पता चलती है उसकी प्रॉब्लम के बारे में कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसे हम किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसमें चेक करते हैं। जैसे कि आपके टीवी में साउंड नहीं आ रहा है, देन प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अब साउंड नहीं आ रहा है तो हम पूरे इस पूरे सर्किट को चेक नहीं करेंगे नंबर वाइज, अगर ऐसा करते हैं तो हमें पूरा दिन या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक टीवी को रिपेयर करने में। तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगर साउंड में प्रॉब्लम है तो हम साउंड वाले सर्किट में जाते हैं, देन उस सर्किट को हम चेक करते हैं और उसके बाद उस सर्किट को हम रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह से कई सर्किट हैं, तो हम नंबर वाइज इन सभी सर्किटों के बारे में जानेंगे किसकी क्या वर्किंग है और कैसे वर्क करता है। तो आज की वीडियो हम सबसे पहले जानेंगे पावर सप्लाई के बारे में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये पावर सप्लाई का पूरा सर्किट और बोर्ड है। तो चलिए ये अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो घरों में जो बिजली है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो सप्लाई सीधा हमारे आएगा पावर सप्लाई के ऊपर और वो सबसे पहले जो हमारे एंटर करेगा तो वो ट्रांसफार्मर से होके, क्योंकि ये सर्किट में बाकी जो अंदर कंपोनेंट है वो हमारे अगर सीधा दे देते हैं हम एसी वोल्टेज तो जल जाएंगे और इससे हमारे फॉल्ट मतलब पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो सर्किट है एसी पे नहीं डीसी पे चलते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सारे सर्किट है डीसी पे वर्क करता है। तो यहाँ से हमारा पावर आई, उसके बाद यहाँ पे ये एक स्टेप डाउन है ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, देन ये उसे लो वोल्टेज कन्वर्ट करेगा। तो ये ट्रांसफार्मर, उसके बाद जो हमारी जो 12 वोल्ट सप्लाई है उस सप्लाई को हम रेक्टिफायर करेंगे रेक्टिफायर के थ्रू। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे दो रेक्टिफायर है, इसके अंदर जो डायोड रेक्टिफायर बनाने के लिए हम डायोड का यूज़ करते हैं और इसमें जो डायोड है वो 1N4007 डायोड हमने लिया है। तो ये देखिए हमने इन सभी डायोड को लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव के सीरीज में। तो उसके बाद ये हमारा जो रेक्टिफाई होता है हमारा सिग्नल, मतलब उसके बाद ये आगे जाता है, देन इसमें फिर रेक्टिफाई होने के बाद ये जो हमारे आगे जाएगी 100 ओम रेजिस्टेंस होते हुए 500 मिली एम्पियर